लर्नर्स, दिस इज निमिषा एंड जीरो स्टूडेंट्स की क्लास 5 है. आज हम टॉपिक करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज. सो लेट्स बिगिन. सो लीगल राइट्स इन अ वेरी 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 जनरल वे मीन स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ. अब हम इस टर्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. परमिटेड एक्शन बाय लॉ, ये क्या कहना चाहते हैं? परमिटेड एक्शन बाय लॉ मतलब वो चीज़ जो आपको अलाउड है लॉ से करना. अलाउड है अगर किसी स्टेट के अंदर ये अलाउ किया जाता है कि एक जगह पे बोला गया है कि भाई मोनोगैमी मैरिज ही अलाउड है, तो अगर आप एक से ज़्यादा पार्टनर रखेंगे तो वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, वो स्टेट में आपका लीगल राइट नहीं होगा. वैसे ही अगर किसी और स्टेट के अंदर अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई आप एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हैं, पॉलीगैमी अलाउड है, तो ऐसे कंडीशन में वो चीज़ आपका लीगल राइट होगा कि आप एक से ज़्यादा वाइफ रख सके. इसलिए जो भी स्टैंडर्ड लॉ परमिट करता है उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, उसको वहाँ का लीगल राइट बोला जाता है. आगे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं. ये सारी डेफिनेशंस अलग अलग जूरिस्ट ने दी हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टिन. अ राइट इज़ अ फैकल्टी विच रिजाइड्स इन अ डिटर्मिनेट पार्टी और पार्टीज बाय वर्चू ऑफ अ गिवन लॉ एंड विच प्रिवेल्स एंड विच अवेल्स अगेंस्ट अ पार्टी और पार्टीज अदर देन द पार्टी और पार्टीज इन हुम इट्स रिजाइड्स. बड़ा ही सिंपल मीनिंग है इसका. आपके पास अगर एक राइट है, आपके अंदर एक राइट है, एक लॉ ने आपको राइट दिया, लॉ ने आपको राइट दिया कि भाई आप एक जगह जा सकते हो, एक जगह जाके आप खाना खा सकते हो, ये आपको राइट दिया है लॉ ने. अ राइट इज़ अ फैकल्टी विच रिजाइड्स इन अ डिटर्मिनेट पार्टी और पार्टीज बाय वर्चू ऑफ अ गिवन लॉ. लॉ ने मुझे राइट दिया कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकती हूँ. एंड विच अवेल्स अगेंस्ट द पार्टी और पार्टीज अदर देन द पार्टी और पार्टीज इन हुम इट्स रिजाइड्स. मतलब मुझे राइट है वहाँ जाके खाना खाने का, एंड मैं वो राइट अवेल कर सकती हूँ वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे खाना सर्व करते हैं, जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनके थ्रू मैं ये राइट डिराइव कर सकती हूँ अपना कि मैं वहाँ जाके वो खाना खा सकती हूँ. ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है. नेक्स्ट है हॉलैंड की डेफिनेशन. अच्छा, ये जो डेफिनेशंस हैं ये लर्न करने के लिए मैं पहले सारा एक बार रफ कर देती हूँ. ये जो डेफिनेशंस होती हैं सारी की सारी, ये स्टूडेंट्स को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है लर्न करते हुए. सो ऐसे टाइम पे ना इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स डिफाइन करो. जब आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाएँ कि अच्छा भाई ये तो इसकी डेफिनेशन थी. जैसे ये पूरी की पूरी यहाँ पे अगर एक डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक वर्ड देखिए इसके अंदर, कुछ ऐसा स्पेसिफिक वर्ड ढूंढिए जिसको देख के आपको लगे कि जैसे कि यहाँ पे अ राइट इज़ अ फैकल्टी विच रिजाइड्स इन अ डिटर्मिनेंट पार्टी. जैसे ही मैं ये देखूँ तो मैं समझ जाऊँ कि ये तो भाई ऑस्टिन की डेफिनेशन है. तो इस ढंग से आप लोग ट्राई कर सकते हैं डेफिनेशन लर्न करने का. नेक्स्ट इज हॉलैंड की डेफिनेशन. ही रिगार्ड्स लीगल राइट एज द एबिलिटी पोजेस्ड बाय अ पर्सन टू कंट्रोल अदर्स एक्शंस विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ अ स्टेट. मतलब मेरा जो लीगल राइट है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि भाई मैं किसी और के एक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन स्टेट की असिस्टेंस से. जैसे कि एक पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले जो हैं उनके पास असेंट और असिस्टेंट है, वो स्टेट के असिस्टेंस है, तो वो उसके थ्रू जो वहाँ पे सारे लोग हैं, जो एरिया उनके अंदर आता है, उन सबके लीगल राइट को पोजेस और कंट्रोल कर सकते हैं. आगे चलते हैं. कोलर ने डिफाइन करा अ लीगल राइट इज अ रिलेशन सैंक्शन एंड प्रोटेक्टेड बाय द लीगल ऑर्डर. सैलमन सेड दैट अ राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ राइट, रूल ऑफ लॉ. इट इज़ एन इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा. इट इज़ एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज़ अ ड्यूटी एंड डिसरिस्कार्ड ऑफ विच इज़ अ रॉन्ग. द राइट मस्ट बी जुडिशली इन्फोर्सेबल. सैलमन ने भी यही बोला, इट मस्ट बी जुडिशली इन्फोर्सेबल, क्योंकि अगर आपने उसे डिसरिगार्ड करा तो इट विल टर्न इट इंटू अ रॉन्ग जिसके अगेंस्ट आपके लिए लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. हेरिंग सेड दैट द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एसेंशियल टू कंस्टिट्यूट अ राइट. एक इंसान का उस राइट में इंटरेस्ट होना ज़रूरी. अगर उस राइट में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर वो उसे यूज़ ही नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा है क्या? तो
पेरेंट ने बोला कि बड़ा जरूरी है कि वो जो लीगल राइट है उसमें इंटरेस्ट हो, तभी वो एक राइट बनेगा. ड्रिगेट सेड दैट नो वन हैज एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी. ड्रिगेट ने बोला कि किसी के पास कोई राइट नहीं होता, बस उसको अपनी ड्यूटी करनी है. टेल्सन सेड दैट देयर इज नो सच कंसेप्शन एज राइट इन लॉ. लॉ में कोई कंसेप्शन ही नहीं होता राइट का, मतलब यू आर जस्ट बाउंड बाय इट एंड दैट्स इट. राइट्स वगैरह कुछ नहीं है लॉ के अंदर. ग्रे सेड दैट पावर विच हैज़ टू मेक अ पर्सन और पर्सन डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट और सर्टेन एक्ट सो फार एज द पावर अराइजेज फ्रॉम सोसाइटी इम्पोजिंग अ लीगल ड्यूटी अपॉन अ पर्सन और पर्सन. जो पावर है दैट पावर विच हैज़ टू मेक अ पर्सन और पर्सन डू, मतलब कोई भी पावर है जो जो रोक सकती है कुछ करने के लिए, रिफ्रेन कर सकती है या करवा सकती है कोई एक्ट करने के लिए. और वो जो पावर है अराइजेज फ्रॉम सोसाइटी और वो सोसाइटी से अराइज करती है वो पावर और एक लीगल ड्यूटी इम्पोज करती है उन लोगों के ऊपर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस था है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वॉज हेल्ड दैट लीगल राइट्स आर को रिलेटिव ऑफ लीगल ड्यूटीज. लीगल राइट्स और ड्यूटीज दोनों एक साथ को रिलेटेड है एंड आर डिफाइंड एज इंटरेस्ट विच द लॉ प्रोटेक्ट्स बाय इम्पोजिंग कॉरिस्पॉन्डिंग ड्यूटीज ऑन अनदर. लीगल राइट बेसिकली प्रोटेक्ट ही इसी वजह से करे जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि लीगल राइट प्रोटेक्ट ही इसी वजह से करे जाते हैं क्योंकि जो कॉरिस्पॉन्डिंग बंदा है उसके ऊपर लीगल ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है. दस द वर्ड राइट इज यूज टू मीन एन इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल पावर ऑफ अनदर. दूसरे बंदे को जो पावर मिली है उससे आपको इम्यूनिटी मिल गई है और इसलिए आपके पास लीगल राइट है. सो देयर आर टू थ्योरीज ऑफ राइट्स. वन इज विल थ्योरी एंड द अदर इज इंटरेस्ट थ्योरी. तो अब हम विल थ्योरी पढ़ते हैं. तो विल थ्योरी के सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विल थ्योरी को ऑस्टिन, हॉलैंड, पॉलक और विंडोग्राफ ये सब के सब विल इस विल थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं. इन सब ने बोला कि हाँ दिस इज़ अ करेक्ट एंड करेक्ट थ्योरी. अब विल थ्योरी का मतलब क्या होता है? द पर्पस ऑफ लॉ इज टू ग्रांट द इंडिविजुअल द मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ असर्शन. देयरफॉर राइट इमर्जेस फ्रॉम ह्यूमन विल. इस थ्योरी में बोला गया है कि लॉ का बेसिक पर्पस ही यही है कि भाई इंडिविजुअल जो चाहता है, इंडिविजुअल जो करना चाहता है उसके लिए एक इंडिविजुअल को मीन दिया जाए. इसलिए जो लीगल राइट है वो इंसान जो करना चाहता है उसकी जो विल है उससे ही निकल के आता है एंड दस इट इज़ कॉल्ड एज विल थ्योरी. दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स एज वेल एज जर्मनी एंड हिस्टोरिकल स्कूल्स. उचता डिफाइंड राइट एज पावर ओवर एन ऑब्जेक्ट विच बाय मीन्स ऑफ दिस राइट बी सब्जेक्ट टू विल ऑफ द पर्सन इंजॉइंग द राइट. उचता ने बोला कि जो राइट है राइट एक पावर है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर विच बाय मीन्स ऑफ दिस राइट बी सब्जेक्ट टू विल ऑफ द पर्सन इंजॉइंग द राइट. जो इंसान उस राइट को इंजॉय कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है. पेटन ने बोला दैट विल एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है इन जनरल कंसेप्शन ऑफ लीगल राइट बट वो सिर्फ वो ही एलिमेंट नहीं है. डिग्विट जो है वो इस थ्योरी के अगेंस्ट थे और उन्होंने बोला कि एक्चुअली में जो बेसिस होगा लॉ का वो सोशल सॉलिडारिटी होता है और ये जो स्पेसिफिक थ्योरी है दिस इज कम्प्लीटली एंटी सोशल. नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं. नेक्स्ट थ्योरी इज इंटरेस्ट थ्योरी. एहरिंग जो है इसके मेन प्रोपाउंडर हैं एंड डिफाइन करते हैं लीगल राइट एज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. उन्होंने बोला लीगल राइट एक ऐसी चीज़ है जिसको इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि हमारा खुद का लीगल इंटरेस्ट है उसके अंदर. उन्होंने बोला दैट ही सेड दैट बेसिस ऑफ राइट इज इंटरेस्ट एंड नॉट विल. जो हम कह रहे हैं कि विल से होता है जो इन ह्यूमन की सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल गलत है. एक्चुअली में जो इंटरेस्ट है जो उसका इंसान का जो इंटरेस्ट है वो बेसिस है एक लीगल राइट रहने का. पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट एंड नॉट विल. देखो विल तो कुछ भी हो सकते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं कि भाई आज के डेट पे मेरा मन करे जी मुझे तो माउंट एवरेस्ट जाना है, वो तो मेरी विल है ना. उसको प्रोटेक्ट करना पर्पस नहीं है लॉ का कि मैं क्या चाहती हूँ, कि विल तो कुछ भी हो सकती है. लॉ का पर्पस ये है कि वो इंटरेस्ट को करे कि भाई ये चीज़ है मेरे को इस बंदे को मेक श्योर करना है ये सेफ रहे, ये इसकी सेफ्टी एक
इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है कि फूड पे खाना हो, उसे जॉब प्रोवाइड हो, उसे एक अच्छा साफ एनवायरनमेंट मिले, ये सब इंटरेस्ट है और यही बेसिस है और बिल बेसिस नहीं है। सैलमन ने हेरिंग के व्यू को सपोर्ट करा और थोड़े से एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे जो राइट होते हैं विदाउट विल के, जैसे कि लुनाटिक्स के राइट या इन्फेंट के राइट, इनमें तो कोई विल नहीं होती लेकिन फिर भी इनके अपने राइट्स होते हैं। सो द थिंग इज, दिस कंक्लूजन में अगर देखा जाए, एक्चुअली में दोनों थ्योरीज, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी, आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर बट दे आर वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो ह्यूमन विल होती है वो एक एंड की तरफ जाती है और वो एंड क्या होता है, वो एंड होता है इंटरेस्ट। इसलिए ये अगेंस्ट ना चल के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एलन ने बोला, द एसेंस ऑफ लीगल राइट इज लीगली गारंटेड पावर टू रियलाइज एन इंटरेस्ट। हर लीगल राइट का जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि भाई वो एक इंटरेस्ट तक पहुंचा सके, जो हम चाहते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है उस तक हम पहुंच सके। सो नाउ सैलमन ने बोला कि इंटरेस्ट के अंदर जो, सॉरी सैलमन ने बोला कि एक्चुअली में जो एलिमेंट्स होते हैं लीगल राइट्स के, वो 5 पॉइंट्स के अंदर आते हैं। द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, द पर्सन बाउंड और द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, द एक्ट और फोरबियरेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट और रेस कंसर्न, टाइटल ऑफ द राइट्स। सो हम इन 5 पॉइंट्स को समझते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पर्सन ऑफ इनहेरेंस मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, दस इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स द पर्सन इन होम द राइट इज वेस्टेड और द होल्डर ऑफ द राइट। देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ सब्जेक्ट, इट कैन बी एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। सो द फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही सिंपल है। पर्सन ऑफ इनहेरेंस मतलब कि कौन है राइट होल्डर, किसके अंदर वो राइट वेस्ट करा गया है, उस वो बंदा आएगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। इट वो एक इंसान भी हो सकता है और सोसाइटी एज अ होल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेटली वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस इंक्लूड द सोसाइटी ऑल्सो। द सेकेंड पॉइंट इज द पर्सन बाउंड और द पर्सन ऑफ इंसिडेंस। द पर्सन ऑफ इंसिडेंस इज अ पर्सन हु इज अंडर अ ड्यूटी टू ओबे द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। सो हम ये तो समझ ही गए कि अगर एक पर्सन में राइट है तो दूसरे पर्सन को कुछ करना पड़ेगा उस पर्सन की कोई उस राइट को ओबे करने के लिए। तो इस सेकेंड पॉइंट में जो पर्सन है वो पर्सन है जो जिसकी ड्यूटी है, जो पर्सन है जिसके राइट्स है उसकी अंडर जो ड्यूटी आती है। जैसे ए के पास राइट है कि वो जाके खाना खा सकता है, कहीं पर भी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, तो वो वहाँ जाके खाना ऑर्डर करता है। वहाँ का जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ड्यूटी बाउंड है उसको फूड सर्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर करा। तो जब उन्होंने ऑर्डर करा और उन्होंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, उनका ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उनको फूड सर्व करे। तो वो इस सेकेंड पॉइंट के अंदर आएंगे कि ही इज अंडर अ ड्यूटी टू ओबे द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। थर्ड पॉइंट इज द एक्ट ऑफ फोरबियरेंस, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू एक्ट और फोरबियर इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज एंटाइटल टू द राइट, इट इज कंटेंट ऑफ द राइट। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो क्या है, किस चीज़ का राइट है, क्या है यहाँ पे, किसका राइट है, फूड सर्व करने का राइट है कि भाई मैंने ऑर्डर करा, उन्होंने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, सो इसलिए अब उन्हें मुझे फूड सर्व करना चाहिए। सो यहाँ पर जो फूड सर्व करना है, जो एक्ट है खाना सर्व करने की, उसकी बात करी जा रही है, द एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, कि आपको क्या करना है या क्या करने से रुकना है। यहाँ पे करना है, कोई और एग्जांपल में आपको कोई चीज़, कोई एक्ट रोकी भी जा सकती है कि आपको एक्ट नहीं करनी। द फोर्थ पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट और रेस्ट कंसर्न, इट इज दैट थिंग ओवर विच अ राइट इज एक्सरसाइज, दिस मे बी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, सब्जेक्ट कैन बी मटीरियल और इनमटीरियल, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। क्या चीज़ है जिसके ऊपर राइट को करा जा रहा है, क्या चीज़ है जिसकी ओवर विच राइट इज एक्सरसाइज, कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ की बात करें। वो कोई स्पेसिफिक चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, वो इमटीरियल और इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है टाइटल ऑफ द राइट, एवरी लीगल राइट हैज अ टाइटल। टाइटल मतलब आपके पास वो राइट कहाँ से आया, दैट इज टू से सर्टेन फैक्ट्स और इवेंट्स बाय विच इट हैज़ बिकम इन वेस्टेड इन द ओनर।
जैसे हमारा ये फूड वाला ही राइट एग्जाम्पल था कि आपको ये राइट कहाँ से आया, जब एक्सेप्ट करा गया आपका ऑर्डर तो आपके अंदर ये राइट आ गया कि भाई हाँ हम आपको फूड सर्व करेंगे, तो ये टाइटल कहाँ से डिराइव हुआ, इस पॉइंट में इसकी बात करी जा रही है। अब हम टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स देखते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ लीगल राइट इज राइट इन रैम एंड राइट इन परसोना। द राइट इन रैम ऑल्सो कॉल्ड एज अ रियल राइट इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। मतलब वो राइट जो आपको सोसाइटी ने गारंटी करा है, भाई ये राइट है मेरा कि मुझे कोई आके मारेगा और पीटेगा नहीं। सो दिस इज माई राइट अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। और जनरली ये स्टेट गारंटी करती है ये जो राइट्स होते हैं। द सेकेंड राइट इज द राइट इन परसोना, ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल राइट, मीन्स राइट दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। जैसे मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गई कि भाई आपको मुझे कोई गुड सप्लाई करने हैं और उन्होंने मुझे सप्लाई नहीं करे वो गुड, तो ये हम दोनों के बीच का राइट है। दिस इज अ राइट इन परसोना, और मैं उनके अगेंस्ट केस फाइल, कोई और नहीं कर सकता, मैं उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ वो गुड्स डिलीवरी के, या फिर जो भी मुझे नुकसान हुआ है वो मुझे वो भरे उसको पूरा का पूरा। राइट इन परसोना इज टेम्प्रेरी इन नेचर विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू राइट इन रैम। जो राइट इन परसोना होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं नेचर के अंदर, मतलब उनमें परमानेंसी नहीं होती, और हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं राइट इन रैम के अंदर। जैसे मेरे अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ तो वो मेरा पर्सनल राइट तो ख़राब हुआ कि मुझे आके मारा गया, बट वो कन्वर्ट हो गया राइट इन रैम के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में अगर कोई आके मुझे मारे या पीटे तो वो एक स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है, क्योंकि इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। अ ब्रीच ऑफ राइट इन रैम गिव राइज टू अ राइट इन परसोनम टू रिसीव कंपनसेशन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। राइट इन परसोनम आर मोस्टली पॉजिटिव राइट्स एंड राइट इन रैम आर मोस्टली नेगेटिव राइट्स। इन अ पॉजिटिव राइट अनदर पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू डू सर्टेन एक्ट, बट इन नेगेटिव राइट द स्कोप इज लिमिटेड टू द फैक्ट दैट पर्सन हैविंग द राइट शैल नॉट बी हार्म। जो हमारा राइट इन परसोना होता है वो पर्सनल होता है, वो एक मोर ऑफ अ पॉजिटिव वो होता है। जैसे कि अगर किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ब्रीच करा, तो ये मेरा पॉजिटिव राइट है कि मैं जाके उससे वो क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन जो राइट इन रैम होता है वो एक नेगेटिव राइट होता है, उसमें जनरली यही होता है कि हमने हमारा राइट होता है कि सबके अगेंस्ट राइट है कि वो भाई हमें हार्म नहीं कर सकते, या वो हम मतलब हम कुछ एक्ट करने से उन्हें एब्सटेन करते हैं। जनरल जो नेचर होता है वो राइट इन रैम का वो नेगेटिव होता है, और राइट इन पर्सोना का जो जनरल नेचर होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आप परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। सो परफेक्ट राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एंड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं बाय लॉ, एंड द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर फॉर ब्रीच ऑफ इट। परफेक्ट राइट्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं, और हमारे जो कोर्ट्स हैं वो उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट कुछ हुआ ना तो मतलब आप जाके कोर्ट में जाके पूरा का पूरा अपना राइट क्लेम कर सकते हो। लेकिन इम्परफेक्ट राइट ऐसे नहीं होते, हालांकि वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं बट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस कि वो एनफोर्सिएबल क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी दिस कि हो सकता है कि वो टाइम बार्ड हो गया, तो कोई टाइम बार्ड डेट है, हालांकि वो आपका राइट है कि आपको वो पैसे मिले, लॉ उसे रिकॉग्नाइज करता है कि वो आपका राइट है, लेकिन इट इज़ नो मोर एनफोर्सिएबल, एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रेमेडी। उबी जस्ट ई बी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। नेक्स्ट इज राइट इन एलियना, ये एलियना ए होना चाहिए, राइट इन एलियना एंड राइट इन रिप्रोप्रिया। राइट इन एलियना जो है इट इज़ अ राइट जो कि अवेलेबल होता है इन द थिंग्स ऑफ अदर, जैसे कि ईजमेंट राइट, कि भाई अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है तो मुझे किसी को जाने का राइट प्रोवाइड करना है, उससे पास करने का, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी बाजू में और कोई और राइट जगह ना हो जाने की, तो उसको वहाँ से एक वे प्रोवाइड करना एक ईजमेंट राइट है। जो जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट होता है डॉर्मिनेंट हेरिटेज और सर्विनेंट हेरिटेज का, वो इससे आता है। फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ अ लैंड ओनर मे बी सब्जेक्ट टू एंड लिमिटेड बाय दैट ऑफ अ टेनेंट टू द टेम्प्रेरी यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब मैं हूँ, मेरा घर है, मैंने दे दिया लैंडलॉर्ड को, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने टेनेंट को अपना घर दे दिया,
हालांकि वो मेरा घर है, उस घर पे मेरा राइट है, लेकिन जब तक वो इंसान उस घर में रह रहा है, मेरे राइट्स लिमिटेड हो गए। और ये जो राइट मेरे लिमिटेड हुए, एक्चुअली ये कंसेप्ट है डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वनेंट हेरिटेज का। सो द राइट सो सब्जेक्टिव इज नोन एज सर्वियंट एंड द राइट विच लिमिट्स इज नोन एज डोमिनेंट। मतलब जो मेरा राइट है, मेरा लैंडलॉर्ड एज ए लैंडलॉर्ड जो राइट लिमिट हो गया, उस राइट को मैं बोलूँगी डोमिनेंट। और जो टेम्प्ररी राइट मिल गया मेरे टेनेंट को, उनको मैं बोलूँगी सर्वियंट। इसको मैं रख कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। एक मिनट, डोमिनेंट एंड सर्वियंट, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो द नेक्स्ट इज राइट इन रीप्रोपिया इज द राइट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी इन रिजल्ट इन एब्सोल्यूट ओनरशिप। दिस इज द रिजल्ट ऑफ जूरिसप्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप। राइट इन रीप्रोप्रिया जनरली आपकी खुद की प्रॉपर्टी का होता है, और उस पर आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है। नेक्स्ट इज वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट। सो वेस्टेड राइट्स आर दोज काइंड ऑफ राइट विच आर श्योर शॉट। लाइक अ वेस्टेड राइट इज द राइट विच इज वेस्टेड ऑन द पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप वेट नहीं करते कि कोई कोई इवेंट हो या कोई कुछ कुछ इवेंट हो, कुछ चीज़ हो, कोई सिचुएशन आए तभी वो आएगा। नहीं, उसकी किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ओनली। बट द कंटेंजेंट राइट्स आर राइट्स विच आर कंफर्ड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन एक्ट। मतलब कुछ होगा तभी वो राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो लिमिटेड है, कुछ सिचुएशन कुछ इवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ग्रांट करा लैंड का राइट, ग्रांट करा कि भाई एक्स को मिलेगा, और एक्स अगर मर गया और वाई फिर भी जिंदा होगा तो फिर वाई को मिलेगा। दिस इज अ कंटिंजेंट राइट। लेकिन अगर सीधा उसको ग्रांट मिला होता वाई को कि भाई वाई को ग्रांट ऑफ लैंड मिलेगा, तो वो एक कंटिंजेंट राइट होता। लेकिन उसको ग्रांट ऑफ लैंड जो है, जो ग्रांट है, वो तब मिलेगा जब एक्स मर जाएगा। अगर एक्स मर गया और वो तब तक जिंदा रहा तभी उसे मिलेगा, वो वेस्टेड राइट है। लेकिन अगर श्योर शॉट वहाँ सीधे से लिखा होता कि भाई वाई को ग्रांट मिलेगा, जी जो ग्रांट है लैंड का, उसकी जो फीस आएगी फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए, वो वाई को मिलेगी, दैट वुड हैव बीन अ वेस्टेड राइट। बट बिकॉज इट इज रिटर्न यहाँ पर अ ग्रांट ऑफ लैंड टू एक्स फॉर लाइफ, एक्स को लाइफ के लिए है, और उसके बाद जब एक्स मर जाएगा तो वाई को मिलेगा, दैट इज अ कंटिंजेंट राइट। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। इट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड कंटिंजेंट राइट। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। सो द प्राइमरी राइट बेसिक राइट होता है हमारा। दीज आर इप्सो फैक्टो राइट, दीज आर बेसिकली इन एग्जिस्टेंस। दीज राइट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। जैसे कि हमारा राइट ऑफ रेप्यूटेशन हुआ, इफ दीज राइट्स आर इन्फ्रिंज तो इस केस में एक पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी राइट्स होते हैं, वो रिजल्टेंट राइट्स होते हैं, वो दे आर मोर लाइक सपोर्टिंग राइट्स। मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, उसके बाद मैं जाऊंगी कोर्ट के अंदर। जब मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगी, उस कोर्ट के अंदर जाने के बाद जो इन्फ्रिंजमेंट हुई, प्राइमरी राइट्स इन्फ्रिंज होने के बाद जो मेरे राइट्स आते हैं, उनको हम सेकेंडरी राइट्स बोलते हैं। दे आर सपोर्टिंग राइट्स टू प्राइमरी राइट्स। दे आर राइट इन परसोना विच रिजल्ट फ्रॉम सम रॉन्ग डूइंग। मतलब कुछ गलत करा आपने, आपके साथ कुछ गलत हुआ, पहले तो आपके पास ये राइट है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, पर आपके साथ कुछ गलत हो गया। तो जब आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उस टाइम पे कौन से राइट्स आएंगे, उन राइट्स को हम सेकेंडरी राइट्स बोलेंगे। कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाएंगे आप जाके अपील करेंगे, आप जाके केस फाइल करेंगे, वट एवर, पुलिस के पास जाएंगे, वट एवर राइट्स यू विल डू, उन सारे राइट्स को हम सेकेंडरी राइट्स बोलेंगे। पहला तो आपको सबसे पहले यही राइट आपके साथ ही होना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ हुआ तो कौन से राइट्स आपके पास, दो जा सेकेंडरी राइट्स। सो पोलॉक से कि प्राइमरी राइट्स को हम एंटीसीडेंट राइट्स भी बोलते हैं, और एडजेक्टिव राइट्स को हम एडजेक्टिव हम सेकेंडरी राइट्स को हम एडजेक्टिव राइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। सो लीगल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं कॉमन लॉ से। जो कोर्ट ऑफ इंग्लैंड था वो लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन जो इक्विटेबल राइट्स होते हैं वो इक्विटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो कोर्ट ऑफ चांसलर उन राइट्स को देखा करता था। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो पीएनजे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, कि इक्विटी हो, जस्टिस हो, गुड कॉन्शियंस हो।
इक्विटेबल राइट्स जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो प्रिकैरियस हैव अ मोर प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस देन लीगल राइट्स. अब प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस का ये मतलब है कि भाई यू नो जो इक्विटी और पीएनजे इन पीएनजे मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन चीज़ के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उनकी वो डिफाइंड नहीं होता. हर किसी के अपने अपने नेचुरल जस्टिस की लिमिटेशन के मोर और लेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सेम चीज़ें फॉलो होती हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वेरी करता है. इस वजह से जो इक्विटेबल राइट्स होते हैं वो थोड़े से वेग होते हैं, थोड़े से एम्बिगुअस होते हैं, लेकिन जो लीगल राइट्स होते हैं वो एकदम डिफाइंड होते हैं. सो इस जो प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस है इसका ये मतलब है अगर लीगल और इक्विटी राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा लीगल राइट्स प्रिवेल करेंगे. एंड द लास्ट वन इज जस्ट एड रेम, इट इज़ अ राइट टू अ राइट. भाई तुम्हारे पास राइट है एक राइट का, इट इज़ ऑल्सो अ राइट इन पर्सोनम. जो पर्सनल राइट हमने ऊपर पढ़ा वो भी एक जैसा एड रेम है. द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ अ राइट टू हैव सम अदर राइट ट्रांसफर टू मी. कि अगर मेरे को कुछ इनहेरिट करना है, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी तो मेरे पास ये राइट है कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर, ये मेरा राइट है कि मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जाए. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल ए है, ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल करी तो बी के अंदर एक राइट आ गया. द राइट इज़ जस्ट एट रेम का राइट आ गया कि भाई बी अब वो घर ए को ट्रांसफ़र कर दे. ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी तो बी के अंदर राइट आ गया कि ए अब वो घर उसको दे दे. बी ने ऐसे घर खरीदा तो बी में राइट आ गया कि बी अब उसको वो घर ट्रांसफ़र कर दे, और उस राइट को हम बोलते हैं जस्ट एड रेम. आई होप ये राइट्स आपको क्लियर है. सो नेक्स्ट इज लीगल ड्यूटीज. अ ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट. व्हेन लॉ रिकॉग्नाइजेज एन एक्ट एज अ ड्यूटी इट्स परफॉर्मेंस इज इन्फोर्स्ड. जो एक ड्यूटी होती है ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, हम सबको पता है ड्यूटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है भाई. तो जब लॉ उस ड्यूटी को रिकॉग्नाइज करती है, व्हेन लॉ रिकॉग्नाइजेज एन एक्ट एज अ ड्यूटी इट्स परफॉर्मेंस इज इन्फोर्स, तब उसकी परफॉर्मेंस इन्फोर्स करी जाती है. तब अगर आपने वो ड्यूटी नहीं करी तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं. सैलमन ने डिफाइन करा अ ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट एंड द अपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग. ड्यूटीज एंड रॉन्ग आर कोरिलेटेड. अगर आपने ड्यूटी नहीं करी तो वो गलत होगा, इसलिए बोला जाता है कि ड्यूटी और जो रॉन्ग है उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है. मिनेर्वा मिल्स में ये हेल्ड किया गया था दैट देयर मे बी अ रूल विच इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन एन इंडिविजुअल अथॉरिटी एंड येट इट मे नॉट बी इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड देयर फोर नॉट गिव राइज टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फोर्सेबल राइट इन अ पर्सन. सो इस केस में बोला गया कि हो सकता है कि कोई एक रूल हो जो एक ऑब्लिगेशन तो डाले इंडिविजुअल अथॉरिटी के ऊपर, बट वो इन्फोर्सेबल ना हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और इसलिए इट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू अ राइट. मतलब हो सकता है ऑब्लिगेशन हो लेकिन इन्फोर्सेबल ना हो कोर्ट के अंदर लॉ ना हो. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऐसे एक सिचुएशन है. ड्यूटीज़ दो काइंड की होती है, एक लीगल होती है और एक मोरल होती है. मोरल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन लॉ ऑब्लाइजेस अ पर्सन टू डू समथिंग देन इट इज़ अ पॉजिटिव ड्यूटी. एग्जाम्पल ड्यूटी ऑफ अ डेटर टू पे हिज क्रेडिटर. एंड व्हेन द लॉ फॉरबियर्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव ड्यूटी. ड्यूटी एग्जाम्पल ड्यूटी बाउंड बाय लॉ नॉट टू डिफेम एनीवन. सो यहाँ पे बोला गया है कि जो ड्यूटी है एक नेगेटिव ड्यूटी होती है, एक पॉजिटिव ड्यूटी होती है. तो पॉजिटिव ड्यूटी ये होती है कि आपको कुछ करने को बोला जाए, जैसे कि भाई अगर आपके पास किसी के पैसे पड़े हुए हैं तो आपको बोला जाए कि प्लीज़ उसको पैसे पे कर दीजिए. इज योर ड्यूटी कि आप उस इंसान को पैसे पे करें. ऑन द कॉन्ट्री नेगेटिव ड्यूटी इज कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते. आपकी ये ड्यूटी है कि आप किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बुरा नहीं गलत नहीं बोल सकते पब्लिक प्लेस के अंदर. आपकी ये ड्यूटी है कि आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे. ये सारी आपकी ड्यूटीज हैं. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, अ प्राइमरी ड्यूटी इज दैट ड्यूटी विच एग्जिस्ट पर से एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ड्यूटी, वाइल अ सेकेंडरी ड्यूटी इज दैट ड्यूटी हुज पर्पस इज ओनली टू एनफोर्स सम अदर ड्यूटी. मतलब एक होती है प्राइमरी ड्यूटी और एक होती है सेकेंडरी ड्यूटी.
प्राइमरी ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है कि आपको ये करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं एक पब्लिक प्लेस में गई हूँ तो मुझे वहाँ जाके किसी टाइप की न्यूसेंस नहीं क्रिएट करनी है, मेरी ये एक प्राइमरी ड्यूटी है। पुलिस की ये ड्यूटी है टू मेक श्योर कि वहाँ पर ऐसे कोई न्यूसेंस ना क्रिएट करी जाए, वहाँ पे कोई लोग ना हो कि कोई न्यूसेंस क्रिएट करी जाए। तो एक सेकेंडरी ड्यूटी हुई कि बाकी सारे लोग अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे, इस चीज़ का चेक रखना पुलिस का काम है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसका काम है कि भाई कोई नहीं करा। तो वो एक सेकेंडरी ड्यूटी हुई। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं, ड्यूरल रिलेशन। इट्स अ वेरी बेसिक स्मॉल टॉपिक, बट मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी पूरी कंसंट्रेशन यहाँ रखें। तो ड्यूरल रिलेशन होते क्या हैं? दो लोगों का जो रिलेशनशिप होता है, जो लॉ में डिफाइन किया जाता है, उसको ड्यूरल रिलेशनशिप बोला जाता है। सेविग्नी डिफाइंस अ ड्यूरल रिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड पर्सन डिटरमाइंड बाय अ रूल ऑफ लॉ। जो ड्यूरल रिलेशन है, दे गाइड द कंडक्ट ऑफ अ मैन टुवर्ड्स अदर मैन। काफ़ी टाइप के ड्यूरल रिलेशंस होते हैं, राइट, ड्यूटी, लिबर्टी, न्यू क्लेम। तो अब हम अलग अलग जूरिस्ट ने क्या बोला, हम वो डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले राइट ड्यूटी का जो रिलेशनशिप आया वो ऑस्टिन लेकर आए। ऑस्टिन ने बोला दैट राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं आर को रिलेटेड इन सच अ वे कि भाई दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। राइट इज ऑलवेज अगेंस्ट समवन विद अ को रिलेटेड ड्यूटी। राइट का हमेशा एक ड्यूटी होगा, ड्यूटी का हमेशा एक राइट होगा, ये ऑस्टिन ने बोला। ड्यूटीज को रिलेटेड विद अ राइट आर कॉल्ड रिलेटेड ड्यूटीज। देयर कैन बी ड्यूटीज विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट, सच ड्यूटीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट ड्यूटीज। जनरली तो ड्यूटीज जो होती हैं वो राइट के साथ को रिलेटिव होती हैं, उन्हें रिलेटिव ड्यूटी बोला जाता है। लेकिन अगर एक ऐसी ड्यूटी हो जिसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग राइट नहीं है तो उसे एब्सोल्यूट ड्यूटी बोला जाएगा। ऑस्टिन ने बोला कि चार तरीके की ऐसी ड्यूटी होती है जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज नॉट रिगार्डिंग पर्सन, फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड्स गॉड। ड्यूटीज ओड टू पर्सन इनडेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कम्युनिटी के अगेंस्ट। थर्ड इज अ सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी, खुद के लिए, खुद की तरफ कोई ड्यूटी, ड्यूटी जो आप सॉवरिन को, जो आप गवर्नमेंट को वो करते हैं। सो दिस वॉज क्रिटिसाइज्ड, एंड द क्रिटिसिज्म वॉज दैट जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज जो ऑस्टिन ने एन्यूमरेट करी हैं आर नॉट रियली ड्यूटीज इन ट्रू सेंस, और इफ दे आर देन दे आर नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑस्टिन ने जनरल ड्यूटी बोला टूवर्ड्स कम्युनिटी, बट एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ ड्यूटीज ईच पर्टिक जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ है कम्युनिटी के, और हर एक इंडिविजुअल की को रिलेटिव राइट है। उस अगर मेरा एक ड्यूटी है उसकी तरफ तो उसका एक को रिलेटेड राइट है। तो एक्चुअली में जो ये ड्यूटी टू पर्सन इनडेफिनेटली टू कम्युनिटी इज़ नथिंग, उसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़ आ गई जो एक 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 इंडिविजुअल की तरफ है, और मेरी उसको ड्यूटी इसलिए क्योंकि उसकी तरफ से मेरी तरफ एक राइट है, इस वजह से उसकी मेरी तरफ ड्यूटी है, मेरी उसकी तरफ ड्यूटी है क्योंकि उसका मेरे तरफ राइट है। सो एक्चुअली में इट्स नॉट लाइक इट्स एन एब्सोल्यूट ड्यूटी, राइट्स और ड्यूटी कोरिलेट कर रहे हैं। दस ऑस्टिन्स थ्योरी डज नॉट स्टैंड ट्रू इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल के टाइम में ऑस्टिन्स थ्योरी नहीं स्टैंड करती है। नेक्स्ट इज सैलमन एनालिसिस। सैलमन ने बोला कि लीगल राइट्स मीन्स एनी एडवांटेज और बेनिफिट विच इज़ इन एनी मैनर कॉन्फर्ड अपॉन अ पर्सन बाय, अगर रूल ऑफ लॉ ने कोई बेनिफिट किसी बंदे के ऊपर कॉन्फर करा है, एडवांसेज दिए, उसे लीगल राइट बोला जाता है। उसने बोला कि चार काइंड ऑफ लीगल राइट्स होते हैं और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है, राइट ड्यूटी, लिबर्टी नो राइट, पावर लाइबिलिटी, इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी। इसको आगे हॉफील्ड ने और एनालाइज करा, उन्होंने काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसे एनालाइज करा। ही यूजेस क्लेम्स इंस्टेड ऑफ राइट्स, जो यहाँ पे इन्होंने राइट वर्ड यूज़ करा है उसके जगह उन्होंने क्लेम वर्ड यूज़ करा है, एज वेल एज जो ऑस्टिन ने जो प्रिविलेज वर्ड यूज़ कर सैल सॉरी सैलमन ने जो प्रिविलेज वर्ड लिबर्टी वर्ड यूज़ करा है सैलमन ने जो हाँ सॉरी 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 हाँ जी और साथ में उन्होंने लिबर्टी वर्ड यूज़ करा है प्रिविलेज की जगह पर उन्होंने लिबर्टी वर्ड यूज़ करा है। सो ही प्रोवाइड्स ड्यूरल अपोजिट्स क्या होते हैं उन्होंने ये भी समझाया। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो ड्यूरल क्लोरेटिव जो होते हैं, क्लेम अगर किसी में राइट होगा तो ड्यूटी होगी,
दूसरे बंदे में ड्यूटी होगी, अगर किसी में लिबर्टी है तो दूसरे बंदे में नो राइट होगा, अगर किसी में पावर पावर है तो दूसरे में लाइबिलिटी है. सो ये जो, और साथ में ये ड्यूरल अपोजिट्स भी लिखे थे, एक्चुअली इस पूरे को प्रोफेसर जी एल विलियम्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. तो प्रोफेसर जी एल विलियम्स ने होफील्ड की थ्योरी को एक ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करा, और हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं. सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लेम, ड्यूटी, लिबर्टी, नो क्लेम, पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, आप लोगों को ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि ये क्या कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, और हम थोड़ा सा इसको समझते हैं. अगर हम इसे समझ लेंगे तो आप लोगों को लर्न करने में इजी हो जाएगा. सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्यूरल रूट को रिलेटिव क्या होते हैं. सो जितने भी वर्टिकल एरोज हैं वो सारे ड्यूरल को रिलेटिव हैं. सो क्लेम ड्यूटी इज ड्यूरल को रिलेटिव, लिबर्टी नो क्लेम इज ड्यूरल को रिलेटिव, पावर लाइबिलिटी इज ड्यूरल को रिलेटिव, इम्यूनिटी डिसेबिलिटी इज ड्यूरल को रिलेटिव. सो वॉट इज अ ड्यूरल को रिलेटिव? क्लेम इन ए इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी इन बी. सिमिलरली लिबर्टी इन ए इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ नो क्लेम इन बी एंड वाइस वर्सा. इसके अंदर दो लोगों की बात हो रही है, एक ए है और एक बी है. तो ये बोला गया है कि अगर एक बंदे के अंदर एक क्लेम है तो सामने वाले बंदे के अंदर ड्यूटी होगी, अगर एक बंदे के अंदर लिबर्टी है तो सामने वाले के अंदर कोई क्लेम नहीं होगा, अगर एक बंदे के अंदर पावर है तो सामने वाले के अंदर लाइबिलिटी होगी, अगर एक बंदे के अंदर इम्यूनिटी है तो सामने वाले के अंदर डिसेबिलिटी होगी. सो बड़ा सिंपल है ड्यूरल कोरिलेटिव. अगर आप ये ऐसे टेबल लर्न कर लेंगे, क्लेम ड्यूटी लिबर्टी नो क्लेम पावर लाइबिलिटी इम्यूनिटी डिसेबिलिटी, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि जो क्लेम है उसके जो, अगर एक बंदे में क्लेम है तो सामने वाले में क्या होगा, ड्यूटी, अगर एक बंदे में लिबर्टी है तो सामने वाले में क्या होगा, नो क्लेम, अगर एक बंदे में पावर है तो सामने वाले में क्या होगा, लाइबिलिटी, अगर एक बंदे में इम्यूनिटी है तो सामने वाले में क्या होगा, डिसेबिलिटी. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ड्यूरल अपोजिट्स और निगेशन. क्लेम इन ए इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ नो क्लेम इन हिमसेल्फ बी वाइस वर्सा. सेम एग्जाम्पल हम ए बी ले रहे हैं. सो अगर हम ड्यूरल अपोजिट देखें तो फॉर एग्जाम्पल क्लेम एंड नो क्लेम इज अ ड्यूरल अपोजिट, लिबर्टी एंड ड्यूटी इज अ ड्यूरल अपोजिट. इट इज सेड कि अगर एक बंदे में राइट है तो सामने वाले के अंदर नो राइट नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन है. अगर एक बंदे में लिबर्टी है तो सामने वाले में ड्यूटी नहीं होगी, सामने वाले में इन चीज़ों की एब्सेंस होगी. तो जो डायगनल है ये एक दूसरे की एब्सेंस की बात कर रहे हैं, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा. ऑल दीज डायगनल एरोज आर टॉकिंग अबाउट द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन थिंग इन वन पर्सन एंड द एब्सेंस ऑफ वन थिंग इन अनदर पर्सन. नेक्स्ट इज ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन. सो ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन स्पेसिफिकली प्रोफेसर जी एल विलियम्स ने ऐड करे थे. इस ये भी ड्यूरल अपोजिट्स के जैसे ही हैं. ये कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एरोज हैं सारी की सारी, वो कह रहे हैं क्लेम इन ए इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी इन बी एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर एक में क्लेम है तो दूसरे में लिबर्टी नहीं होगी, अगर एक में ड्यूटी है तो दूसरे में नो क्लेम नहीं होगा, अगर एक में पावर है तो दूसरे में इम्यूनिटी नहीं होगा, अगर एक में लाइबिलिटी है तो दूसरे में डिसेबिलिटी होगा. सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न दिस. आप अगर ये टेबल आप बना लो, अगर आप ये 8 वर्ड्स यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख के आप एरोज बना लो, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर कि भाई जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ वो कह रहा है कि अगर एक में एक है तो दूसरे में एक होगा, अगर एक में, बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और डायगनल लाइन है वो कह रहा है अगर एक में एक चीज़ होगी तो दूसरे में दूसरी चीज़ नहीं होगी. ड्यूरल कोरिलेटिव इज डिफरेंट एंड ड्यूरल अपोजिट एंड ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी आर सिमिलर जस्ट इन द लाइन्स कि अगर एक में एक चीज़ होगी तो दूसरे में वो दूसरी चीज़ जो है जो उसके अपोजिट बन रही है इधर डायगनल और हॉरिजॉन्टल वो दूसरे में मिसिंग होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. वी विल आई कम बैक विद द नेक्स्ट क्लास. अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं हमारे डिजिटल डिजिटल स्टोर के ऊपर. सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग. सी यू.